नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को कौन नहीं जानता। सन 2002 तक ये WWF के नाम से जाना जाता था। बाद में कुछ विवादों के चलते इसका नाम WWF से WWE कर दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि WWE के कई सुपरस्टार्स हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं और इसका पालन भी करते हैं। इस वीडियो में हम लाए हैं चोटी के वो WWE सुपरस्टार्स जो हिंदू धर्म को मानते हैं। पहला नाम है ड्वेन जॉनसन यानी दी रॉक। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे नरसिंह भगवान से काफी प्रेरित हैं और रिंग में जाने से पहले उनका ध्यान अवश्य करते हैं। नरसिंह भगवान की कद काठी और रौद्र रूप दी रॉक की प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अगले रेसलर हैं पॉल माइकल लिवेक, जिन्हें हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं। उनके करीबी दोस्तों के अनुसार ट्रिपल एच महाकाल शिव के अवतार वीरभद्र से प्रभावित है। वीरभद्र का रूप भगवान शिव का सबसे रौद्र रूप है और ये रूप भगवान शिव ने तब धरा था जब उन्हें सती की मृत्यु का पता चला था। आपने भी गौर किया होगा कि ट्रिपल एच के रिंग में एंटर करते वक्त वो भी एक रौद्र रूप को दर्शाते हैं और कई बार खोपड़ियों का दिखाना महाकाल के प्रति उनकी भक्ति को चिन्हित करता है। दोस्तों, तीसरे रेसलर हैं दी ग्रेट खली, जिनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। खली का जन्म 27 अगस्त 1972 में हिमाचल प्रदेश में हुआ। पंजाब पुलिस में रहते हुए सन 2002 में प्रोफेशनल रेसलिंग में उन्होंने कदम रखा और सन 2006 में WWE में कदम रखा। खली ने रेसलिंग के साथ कई हॉलीवुड पिक्चर्स में काम भी किया है। दोस्तों, चौथा नाम है मैट हार्डी। हालांकि मैट हार्डी किसी एक विशेष भगवान को नहीं मानते, पर वे हिंदू धर्म का बेहद सम्मान करते हैं और भारत आते जाते रहते हैं। वे भारत में कैंसर और ल्यूकेमिया से पीड़ित बच्चों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, पांचवा नाम है जिंदर महल। जिंदर महल का जन्म 19 जुलाई 1986 में कनाडा में हुआ। बहुत कम लोगों को पता है कि जिंदर महल रेसलिंग लेजेंड गामा सिंह के भतीजे हैं। यहां हम बता दें कि गामा सिंह और गामा पहलवान दोनों अलग अलग रेसलर्स हैं। जिंदर महल ने प्रोफेशनल रेसलिंग में सन 2002 में कदम रखा और सन 2017 में रैंडी ऑर्टन को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती। दोस्तों, छठा नाम है गुरजीत सिंह हंस, जिन्हें हम टाइगर अली सिंह के नाम से जानते हैं। टाइगर अली सिंह का जन्म 7 मार्च 1973 में टोरंटो में एक पंजाबी परिवार में हुआ। सन 1997 में टाइगर ने ओवन हार्ट को हराकर WWF का कुवैत कप जीता था। कहा जाता है टाइगर गुरु नानक जी और शेरावाली माता के कट्टर भक्त हैं और जब भी समय मिलता है वो मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाते हैं। दोस्तों, सातवां नाम है कविता दलाल। ये भारत की पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कविता दलाल ने साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है। इसके अलावा सन 2000 में पद्मभूषण और 2006 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कविता दलाल पूरी तरह से हिंदू धर्म को मानती हैं और हर हिंदू त्यौहार धूमधाम से मनाती हैं। दोस्तों, हम सबसे ऊंची श्रेणी के रेसलर्स की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में गोल्डबर्ग का नाम आता है। गोल्डबर्ग एक ऐसा नाम है जिससे आज के युवा रेसलर्स भी थर थर कांपते हैं। पर भारत का एक लाल ऐसा भी है जो गोल्डबर्ग को भी पल भर में धूल चटा सकता है। सन अक्टूबर 2016 में शॉन मैकमैन द्वारा 3 बार रहे चैंपियन सुशील कुमार से WWE के कॉन्ट्रैक्ट हेतु संपर्क साधा गया, पर काफी जंतोजहद के बावजूद भी WWE मैनेजमेंट सुशील कुमार को मना नहीं पाया। इससे यही साबित होता है कि बजरंग बली के परम भक्त सुशील कुमार को
असली कुश्ती पसंद है, ना कि तड़क भड़क वाली नकली WWE। दोस्तों, नवा नाम है गदोवर सिंह सहोता, यानी गामा सिंह। जिंदर महल इन्हीं के भतीजे हैं। ये भारत के पहले रेसलर थे जिन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 80 के दशक में WWE में इनका अच्छा खासा जलवा था। कहा जाता है कि गामा सिंह बजरंग बली के परम भक्त थे। दोस्तों, हमारे 10वें और आखिरी रेसलर हैं रूडी पाइपर। हालांकि रूडी पाइपर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहा जाता है कि पाइपर भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और साथ ही साथ वो इस्कॉन से भी जुड़े हुए थे। तो ये थे वो 10 WWE रेसलर्स जो हिंदू धर्म पर श्रद्धा रखते हैं और सनातन धर्म को मानते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।